हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम सीए फाइनल कॉस्ट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर फर्स्ट में थर्ड पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा बाकी की दो वीडियोस हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, और इसके अलावा सीए फाइनल के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप जा सकते हैं वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए शुरू कर सकते हैं कंसेप्ट से। तो सबसे पहले हमारा कोर कम्पिटेंसीज एनालिसिस। सो कोर कम्पिटेंसी क्या होती है कंपनी की? सो कोर कम्पिटेंसी बेसिकली एक कोर स्ट्रेंथ होती है किसी भी बंदे की। एक लेवन टर्म में ये बता देता हूँ कि जैसे कोई पर्सन है एक्सेल काफ़ी बढ़िया चलाता है, लाइक उससे बेटर कोई एक्सेल चला ही नहीं पाता। उसको एडवांस एक्सेल भी आता है, उसको डैशबोर्ड्स बनाने आते हैं, उसके हाथ बिल्कुल एक्सेल में फॉर्मूलाज पे ऐसे चलते हैं, उसको शॉर्टकट चुबा नहीं आता है। उस बंदे की कोर कॉम्पिटेंसी बोल सकते हो कि उसकी यूनिक स्किल है वो, मतलब किसी दूसरे को नहीं आ रही, तो वो चीज़ है। तो यही है कोर कॉम्पिटेंसीज है, डिस्टिंक्टिव यूनिक स्किल और द टेक्नोलॉजिकल नो हाउ डेट क्रिएट द डिस्टिंक्ट कस्टमर वैल्यू। बेसिकली फर्म की क्या कोर कंपिटेंसी होती है, जैसे एप्पल है, लाइक इसमें हम देखते हैं एप्पल है, एप्पल की कोर कंपिटेंसी क्या है? एप्पल की कोर कंपिटेंसी है कि क्वालिटी बेस्ट, बेस्ट क्वालिटी और लग्जरी प्रोडक्ट। सो ये है एप्पल की कोर कॉम्पिटेंसी। बेसिकली क्या करते हैं, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो किसके थ्रू? एक स्पेशल नो हाउ उसके पास, एक क्वालिटी उसके सबसे बेस्ट है और एक लग्जरी प्रोडक्ट है उसके थ्रू। तो वो क्या है, वो भी इसके कोर कॉम्पिटेंसी है। जैसे अब ये कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ गूगल के दिखा रखा है यहाँ पे। कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ द गूगल इट्स इट्स कैपेबिलिटी टू डिलीवर द एक्सलेंट सर्च रिजल्ट विच कुड नॉट बी इंटीमेटेड बाय द कॉम्पिटिटर्स। लाइक गूगल की क्या कोर कॉम्पिटेंसी है कि वो सबसे अच्छे सर्च रिजल्ट देता है जो कॉम्पिटिटर्स के द्वारा कम्पीट कर ही नहीं पाते। तो वो चीज़ है कोर कॉम्पिटेंसी आर फंक्शन ऑफ द कलेक्टिव स्किल्स ऑफ द पीपल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी नो हाउ। बेसिकली फंक्शन है आपकी कलेक्टिव स्किल्स हैं पीपल की, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स की, नॉलेज नो हाउ के हिसाब से। जो कोर कॉम्पिटेंस है प्राइमरी सोर्स होता है ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटेटिव एडवांटेज का। जो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है वो बेसिकली कहाँ से आती है, कॉस्ट लीडरशिप से या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप आपके कॉस्ट पे कितना कंट्रोल है, आपका प्रोडक्ट कितना डिफरेंट है, उससे आपकी कोर कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेटिव एडवांटेज निकल के आती है। बेसिकली थ्री टेस्ट होते हैं जो यूज़फुल हैं एक आइडेंटिफाई करने में कोर कॉम्पिटेंसी को। तीन टेस्ट हैं जो यूज़फुल हैं एक आइडेंटिफाई करने में कोर कॉम्पिटेंसी। सबसे पहले है आपकी एंड प्रोडक्ट बेनिफिट, आपके प्रोडक्ट से कितना बेनिफिट होगा। एक्सेस टू द वैरायटी ऑफ मार्केट, आपकी कितनी मार्केट में वैराइटीज़ हैं। डिफिकल्ट टू कम्पिटिटर्स, बेसिकली कितने डिफिकल्ट हैं कम्पिटिटर को इंटीमेट करना। सो लॉस ऑफ द कोर कम्पिटेंसी कुड बी डिजास्टर फॉर द फर्म, बेसिकली कोर कॉम्पिटेंसी का रिजल्ट एक डिजास्टर हो सकता है फॉर्म के लिए। नोकिया वॉज अ लीडर इन द फीचर फोन सेगमेंट टिल द स्मार्टफोन वॉज इंट्रोड्यूस। द चेंजिंग चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ द इंडस्ट्री में नोकिया होल्ड्स द टॉप पोजिशन इन द इंडस्ट्री। बेसिकली नोकिया क्या था पहले, नोकिया की क्या कोर कॉम्पिटेंसी थी, लाइक इसमें देखिए एक एग्जाम्पल। नोकिया की कोर कॉम्पिटेंसी क्या थी? बैटरी लाइफ लॉन्ग, लेकिन लेकिन मार्केट में आए स्मार्टफोन, स्मार्टफोन इंट्रोडक्शन नोकिया गिर गया। तो ये चीज़ है इसकी कोर कॉम्पिटेंसी। सो मार्केट लीडर था फीचर फोन के, जो चेंजिंग डायनामिक्स थे इंडस्ट्री के, उसने बेसिकली नोकिया को लॉस कर दी टॉप पोजीशन इंडस्ट्री में। और सेल्स थी माइक्रोसॉफ्ट की, सैमसंग की, बजाज ऑटो उसकी, ये बढ़ गई। लाइक आपकी जो बजाज ऑटो थी उसकी कोर कॉम्पिटेंसी स्कूटर में, लेकिन मोटर बाइक आई इंट्रोड्यूस ख़त्म हो गई। सो अब देखते हैं इसमें बजाज स्कूटर
कोर कंपिटेंसी। बट बाइक्स कम इन मार्केट, स्कूटर गिरने लग गए। सो ये क्या है, कोर कंपिटेंसी है किसकी, बाइक्स की। तो इस चीज़ को बोल सकते हो कि एक प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी कोर कंपिटेंसी डिपेंड करती है। ठीक है, कोर कंपिटेंसी बेसिकली दो रिसोर्सेज के थ्रू आती है। लाइक सबसे पहले आपके रिसोर्सेज हो गए, रिसोर्सेज आर द फैक्टर। रिसोर्सेज वो फैक्टर्स हैं जो एनेबल कंपनी कंपनी को एक क्रिएट करने में वैल्यू फॉर द कस्टमर। टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट होता है रिसोर्सेज को इंटीमेट करना और ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स लेके आना कंपनी के लिए। बेसिकली एल्गोरिदम जो यूज़ किए जा रहे हैं गूगल के द्वारा, वो सर्च रिजल्ट को डिलीवर करते हैं जो ईजिली इंटीमेट नहीं किए जा सकते कंप्यूटर्स के द्वारा। तो ये सबसे बड़ी इसकी कोर कंपिटेंसी है। कैपेबिलिटी, कंपनीज एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट द रिसोर्स एंड पुट टाइम टू द प्रोडक्टिव। रिसोर्सेज हैं लेकिन उसको सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो कंपनी की एबिलिटी होती है कि उनको कोऑर्डिनेट करे और अच्छी तरह लगाए। अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज बाय द देमसेल्फ डज नॉट गारंटी द कोर कॉम्पिटेंसी। जो कैपेबिलिटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर प्रोसेस और कंट्रोल सिस्टम से आती है। वैलिडेट द कोर कॉम्पिटेंसी इन द करंट बिजनेस। कोर कॉम्पिटेंसी मस्ट लीड टू कॉम्पिटेटिव एडवांटेज टू द बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसी बी वैलिडेटेड कंटिन्यूसली। सो कोर कॉम्पिटेंसी बेसिकली आपकी आती है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के थ्रू। जो एग्जिस्टेंस होती है कोर कॉम्पिटेंसी की वाले, वो वैलिडेट होती है कंटिन्यूसली बेसिस पे कि कैसे काम किया जा रहा है, किस तरह काम किया जा रहा है। लेवरेज कॉम्पिटेंसी, जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी होती है एक सेगमेंट में, वो बेसिकली यूज़ की जाती है दूसरे एग्जिस्टिंग नया नए बिजनेस में। जो एक्सेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है एक बिजनेस में, वो लॉन्च किया जाता है दूसरे प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। बैंक का के पास काफ़ी सारी ब्रांचेज है बैंकिंग बिजनेस में, सेम नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है लॉन्च करने के लिए और इंश्योरेंस को बेचने के लिए। कोर कंपिटेंसी और रीफर्मिंग इन द वैल्यू चेन। बेसिकली फर्म क्या कर रही है, मैनेज करने में एग्जिस्टिंग वैल्यू चेन को बेटर देन कॉम्पिटिटर से। सो इसमें क्या, फर्म वर्क हार्ड करती है कोर कंपिटेंसीज पे और इस हिसाब से रिकगनाइज करती है वैल्यू चेन को इम्प्रूव करने के लिए पे ऑफ। तो ये चीज़ हो सकती है। मेजर चॉइस क्या होता है सबसे बड़ा डिज़ाइन में, सिंपल हाई क्वालिटी एंड डिज़ाइन टू अ लोअर कॉस्ट। बेसिकली मेजर चॉइसेस क्या है डिज़ाइन में, आपका हाई क्वालिटी डिज़ाइन होता है लोअर कॉस्ट को करने के लिए। तो स्टैंडर्ड और कॉमन या ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क इसके थ्रू काम करता है, असेंबली कस्टमर करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कोर कॉम्पिटेंसी टू क्रिएट द न्यू वैल्यू चेन। स्ट्रॉन्ग कोर कॉम्पिटेंसीज होंगी तो आपकी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है ऑर्गेनाइजेशन नए कस्टमर्स की तरफ जाएगी, डेवलप करेगी नई वैल्यूज को। लाइक फेडेक्स है, फेडेक्स ने अपनी एक्सपर्टाइज करी डिलीवरी ऑफ स्मॉल पैकेजेस में और कॉन्ट्रैक्ट किया नए बिजनेस के साथ LLB और नेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो डिज्नी ने एक्सपोर्टेड किया पीपल मूविंग स्किल्स टू द अर्बन मास स्ट्रीट्स फॉर द कैलिफोर्निया। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब बेसिकली आगे देखते हैं हम सेगमेंट एनालिसिस कैसे काम करते हैं। एक सिंगल इंडस्ट्री है, उसमें कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट है, अलग अलग मार्केट्स है सिंगल इंडस्ट्री में। मोटर व्हीकल इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, कैन बी सीन एज कंपोजिट ऑफ, जैसे मोटर व्हीकल इंडस्ट्री है कैन बी सीन एज कंपोजिट ऑफ टायर, ग्लास, बैटरी, मेटल्स। काफ़ी सारे लोग होते हैं इसमें, अलग अलग मार्केट्स। नॉट ऑल द फर्म्स इन इंडस्ट्री पार्टिसिपेटेड इन ऑल सेगमेंट्स, क्योंकि सारी फर्म्स हर एक सेगमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती। जो स्ट्रक्चर करेक्टरिस्टिक होता है डिफरेंट इंडस्ट्री सेगमेंट की एग्जामिन की जाती है। सो जो एनालिसिस होता है वो रिवील करता है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को या डिसएडवांटेज को डिफरेंट सेगमेंट्स के थ्रू। फर्म यूज़ करती है इंफॉर्मेशन को डिसाइड करने के लिए एग्जिट करने के सेगमेंट से, या फिर एंटर करने के लिए सेगमेंट पे, या रिफंड कॉन्फिगर करने के लिए एक से ज़्यादा सेगमेंट्स को। सो इसमें फिर क्या हो सकता है, आइडेंटिफाई द सेगमेंटेशन वेरिएबल एंड कैटेगरी। इंडस्ट्री माइट बी डिवाइडेड इनटू द मल्टीपल सेगमेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस। बेसिकली इंडस्ट्री को डिवाइड किया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स में नेचर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंडस्ट्री के हिसाब से। सेगमेंट बेसिकली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड द जियोग्राफी का कस्टमर। प्रोडक्ट के बेसिस पे या कस्टमर्स के बेसिस पे हो सकते हैं कंस्ट्रक्टेड सेगमेंट। एक बार आपका सेगमेंट आ गया तो सेगमेंट मैट्रिक्स बेसिकली क्रिएट की जाएगी, और जो मैट्रिक्स होगी नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, जियोग्राफी के बेस पर डाली जाएगी। तो वो चीज़ भी एक हो सकती है।
Analyze the segment attractiveness. Segment mix could be used to evaluate the profitability and performance of each of the segment. Basically, कैसे देखते हैं इसको? इसमें ये देखा जाता है, like ITC के business कर रहे हैं, उसमें से like हमने दो business उठाए, ITC के hotels और cigarette. दो बिजनेस उठाए. सो इसकी क्या देखेंगे हम अभी? प्रॉफिट एंड परफॉर्मेंस. लिंकेज बिटवीन टू, तो ये चीज देखेंगे. यहाँ पे क्या देखते हैं? प्रॉफिट या परफॉर्मेंस ये शो कैसे इंटरलेशनशिप बिटवीन देखते हैं बिटवीन द सेगमेंट की सक्सेस फैक्टर. ईच सेगमेंट आइडेंटिफाई मस्ट बी एसेस विद ए रेलेवेंट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस. हर सेगमेंट आइडेंटिफाई किया जाता है रेलेवेंट मेजर ऑफ परफॉर्मेंस के साथ, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस टाइमलीनेस और कैटेगरी. Analyzes the attractiveness of the broad and the versus narrow scope. Basically analyze attractiveness देखे जाएगी broad और narrow scope के रिगार्डिंग. सबसे पहले identify करेगा कि broad segment क्या है और narrow क्या है. जो narrow segment है risky हो सकता है business के लिए, single segment क्योंकि vulnerable होता है competition में. जो multiple segment है help करता है company का spread करने में cost और segments के regarding. जो company है वो position में है competency को use करे एक segment में और दूसरे segment में. कुछ फर्म सर्टेन सेगमेंट्स को देखते हैं और लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटीज को देखते हैं कि कैसे वो काम किया जा सकता है. सुपीरियर परफॉर्मेंस. अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर प्रॉफिट कंपनीज टू अचीव द सुपीरियर परफॉर्मेंस. अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होता है फॉर प्रॉफिट कंपनी का? सुपीरियर परफॉर्मेंस को अचीव करना इन कंपेरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर्स. कंपेरिजन करने कॉम्पिटिटर्स में अगर कोई कंपनी सुपीरियर परफॉर्मेंस अटेन करती है तो उसको डेफिनेट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेने पड़ेंगे. जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव्ड होगी सुपीरियर परफॉर्मेंस के हिसाब से, जिसके हिसाब से मैक्सिमाइज की जाएगी शेयर होल्डर की वेल्थ. अगर उसको सर्वाइव करना है और प्रॉस्पर करना है बिजनेस में तो फर्म बेसिकली दो क्राइटेरिया देखेगी. सप्लाई करेगी कस्टमर्स को जो बाय करना चाहता है और सर्वाइव करेगी कॉम्पिटिशन में. जो फर्म का ओवरऑल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है वो डिराइव होगी डिफरेंस से वैल्यू के बीच पर कस्टमर्स के बीच में, और जो कॉस्ट हो रही है दी जा रही है कस्टमर्स को वैल्यू क्रिएट करने के लिए. वैल्यू कॉम्पिटेंसीज होती हैं वो कुछ फॉर्म्स में आ सकती है. डिफरेंशियल एडवांटेज, अगर कंपनी परस्यू करती है प्रोडक्ट और सर्विस को अगर वो सुपीरियर है तो विलिंग हो जाती है पे करने के लिए प्रीमियम प्राइस क्वालिटी. अगर लो कॉस्ट एडवांटेज है आपकी तो कस्टमर बेसिकली कंपनी की जो टोटल कॉस्ट है वो अनकट हो जाएगी एवरेज कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से. अब नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन एडवांटेज. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बेसिकली हमारा प्रोडक्ट दूसरे लोगों से अलग है तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है. लाइक इसको कैसे मान सकते हो? जैसे फ़ोन दोनों आते हैं, एप्पल का फ़ोन भी आता है सैमसंग का फ़ोन भी आता है, लेकिन एप्पल का फ़ोन थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर्स, तो इसलिए वो अपनी क्वालिटी की वजह से बिकता है. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो ये टक्कर वैन द कस्टमर परसीव रहता है बिजनेस यूनिट प्रोडक्ट ऑफरिंग द हाई क्वालिटी एन वॉल द फ्यूर यूज ऑफ द आउट परफॉर्म द प्रोडक्ट ऑफर बाई द कॉम्पिटिटर्स. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है एप्पल वर्सेस वन प्लस फोन. डिफरेंशिएशन एडवांटेज कैसे अचीव की जा सकती है? इन टेक्निक्स हो सकते हैं आपके डिफरेंशिएशन एडवांटेज. सबसे पहले सुपीरियर क्वालिटी, जो कस्टमर ऑफर करता है बेटर क्वालिटी एक सिमिलर प्राइस रेंज में. जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट होती है और सर्विस होती है कंपनी की प्रेफर्ड चॉइस के हिसाब से काम करते हैं. सुपीरियर इनोवेशन, कंपनी कंटिन्यूसली ऑफर करती है इनोवेटिव प्रोडक्ट हमने कॉम्पिटिशन के हिसाब से सुपीरियर कस्टमर रिस्पॉन्स.
जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज वो बेसिकली अलाइन करते हैं कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। कंपनी फोकस करती है अपने ओवरऑल कस्टमर सर्विसेज पे और वर्क करती है पैरामीटर के रिगार्डिंग जो उसका जो वेटिंग टाइम है उसको घटा सके। एक बार कंपनी सक्सेसफुल डिफरेंशिएट हो जाती है ऑफर करने में तो मैनेजमेंट एक्सप्लोर कर देती है एडवांटेज को दो तरीके से। इंक्रीज द प्राइस अंटिल द ऑफसेट द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द कस्टमर बेनिफिट, इस तरह से। लाइक एग्जाम्पल दे भी रखा है यहाँ पे, कंपनी लाइक द एप्पल चार्जेस द प्रीमियम प्राइसेस फ्रॉम द कस्टमर बिकॉज द कस्टमर परसेस द एप्पल प्रोडक्ट टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर। वैल्यू चेन आइडेंटिफाई द पॉइंट डिफरेंट एडवांटेज कैन बी प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट विच आर सुपीरियर टू द कंपटीटर बाय द वर्च्यू ऑफ डिजाइन ऑफरिंग सुपीरियर आफ्टर सेल सर्विस बाय ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट्स रेंज सुपीरियर पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग ब्रांडिंग स्ट्रेंथ। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब नेक्स्ट कॉस्ट लीडरशिप क्या है? अगर फर्म इंजॉय करती है कॉस्ट एडवांटेज तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है लोअर हो सकती है कॉम्पिटिटर से, अगर उसका रिलेटिव कॉस्ट एडवांटेज एक बिजनेस मैन को एनेबल करती है सारी चीज़ें करने के लिए। चार्ज लो प्राइस देन इट्स कॉम्पिटिटर फॉर इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज, मैच द प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट और सर्विस एंड इंक्रीज द प्रोफिटेबिलिटी। मैच करो प्राइस को और अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करो। कंपनी एक स्ट्रेटजी को चूज़ करती है जिसमें उसकी कॉस्ट को लोअर किया जाता है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को लिया जाता है। जो सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो बेसिकली लो कॉस्ट रॉ मटेरियल और इनोवेटिव प्रोसेस टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करता है। जबकि लो कॉस्ट एक्सेस दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को या सुपीरियर ऑपरेटिंग मैनेजमेंट को, उसके थ्रू भी एक तरह से काम किया जाता है। तो ये चीज़ है। अगर कोई डिसएडवांटेज है किसी स्ट्रेटजी के और जो कंपटीटर अपना राइट वे नहीं देख पा रहा तो जो कंपनी है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को परस्यू करेगी और इम्प्रूव करेगी स्ट्रक्चर को। और दूसरा इसमें सक्सेस होता है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी के रिवॉर्डिंग, मैनेजमेंट ट्राई करेगी कॉस्ट को लो करने का ताकि कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए क्वालिटी के साथ।